हेलो बेटा वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपको देखना है तो मेरा चैनल आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और वहाँ आपको लास्ट वीडियो लेक्चर मेरा मिल जाएगा तो आप उसको प्रॉपर वे से देख सकते हो प्रॉपर वे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी डी एक्स का मीनिंग है बेटा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन बेटा एक्स टू इज Very near to x1. In the same way, t2 is very near to t1. So that we can write x2 minus x1 equal to dx. Very, very small change between x2 and x1. In the same way, t2 minus t1 equal to dt. dt meaning very, very small time interval. Very, very small. टाइम इंटरवल तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया और इन दोनों को अगर आप कंप्यूट करोगे तो हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो किसी भी स्पीडोमीटर के सामने से व्हीकल अगर हाई स्पीड में पास होगा तो अगर स्मॉल टाइम इंटरवल उसने कंज्यूम किया है स्पीडोमीटर के सामने तो बेटा उसी स्मॉल टाइम इंटरवल में उसका डिस्टेंस कितना काउंट होगा सर so डिस्टेंस भी काफी स्मॉलर ही काउंट होगा तो बेटा इस टाइप से इस डेटा से हम क्या बनाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बेटा जैसे आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक्सप्लेन किया और यहाँ पर मैथमेटिकल टूल अप्लाई किया दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स इट मीन डिफ्रेंशियेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स जो डिफ्रेंशिएशन है वो डिस्टेंस का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस का जो डिफ्रेंशिएशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसी टाइप से हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस <coughs> रेस्पॉन्स को डिस्कस कर सकते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका टाइम के रेस्पेक्ट में ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकल टूल से क्या बोलेंगे दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स अगर एक्स टाइम पे डिपेंड करेगा तो डिफरेंशिएशन होगा और अगर एक्स टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा अगर एक्स कॉन्स्टेंट है तो बेटा कॉन्सटेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दैट इज़ ज़ीरो दैट इज़ जीरो तो बेटा इसी टेक्निक से हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसी टेक्निक से हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो बेटा क्या होगा अभी चेक करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का डाटा आएगा चेंज इन टाइम के रेस्पेक्ट में इट मींस यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमें चेंज इन वेलोसिटी का रेस्पॉन्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में एडमिट करना है काउंट करना है सो वेन एवर वी आर टेकिंग

वो आपकी काफ़ी स्मॉल टाइम इंटरवल में आएगी इट मीन्स यहाँ पर हमें चेंज इन वेलोसिटी का रिस्पॉन्स काफ़ी स्मॉलर टाइम इंटरवल में लेना है तो बेटा नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन में ये जो टाइम इंटरवल होगा ये आपका लार्ज हो सकता है टाइम इंटरवल आपका लार्ज हो सकता है इसका मीनिंग एवरेज एक्सेलरेशन में क्या आएगा कि नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन तो बेटा यहां पर वी और यू के बीच में आपको अप्रिशिएबल डिफरेंस मिलेगा यहां v और u के बीच में आपको अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल डिफरेंस मिलेगा इसका मीनिंग यू और वी आपके अप्रिशिएबल वे से एक दूसरे से दूर होंगे इट मीन वी इज क्वाइट अवे फ्रॉम यू तो यहां पर आपको वी और यू में जो चेंज मिलेगा वो आपको प्रॉपर टाइम इंटरवल में मिलेगा यहां पर टाइम इंटरवल आपका स्मॉलर नहीं होगा सो दैट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन एज एवरेज एक्सेलरेशन तो जहाँ पर वी और यू के बीच में प्रॉपर गैप होगा जहाँ पर वी और यू आपके दूर दूर होंगे उनको हम अलग अलग, अलग फील कर सकते हैं तो यहाँ पर v और u अगर आपके दूर दूर होंगे और टाइम इंटरवल भी आपका अप्रिशबल होगा लार्ज होगा तो उस केस में जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा बट बेटा अगर टाइम इंटरवल काफ़ी स्मॉलर होगा तो बेटा v और u काफ़ी क्लोज हो जाएंगे अगर वी और यू काफ़ी क्लोज़ होंगे बहुत पास पास में होंगे तो यहाँ पर जो हमें चेंज इन वेलोसिटी का रेस्पॉन्स मिलेगा वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मिलेगा तो उस टाइम पे बेटा जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे दैट इज़ v माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन लिमिट टी टू माइनस टी वन टू जीरो तो बेटा इसको हम इस टाइप से लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिमिट टाइम इंटरवल को हम बोलेंगे डी टी एंड डी टी इज नियरली इक्वल टू जीरो नाउ हियर वी है वी माइनस यू वी माइनस यू मीन्स डी वी एंड अपॉन डी टी तो बेटा ये जो लिमिट है ये लिमिट क्या इंडिकेट कर रही है लिमिट ये इंडिकेट कर रही है कि T2 और T1 काफ़ी क्लोज हैं बहुत पास पास में हैं इट मींस t2 टू माइनस टी अगर नियरली इक्वल टू जीरो है जीरो के आसपास है तो इसका मीनिंग है t2 टू इज वेरी नियर टू t1 t2 टी टू इज वेरी नियर टू टी इसी टाइप से v माइनस यू वी माइनस यू अगर जीरो के आसपास है तो इसका मीनिंग क्या है v इज वेरी नीयर टू यू वी इज़ वेरी नीयर टू यू तो बेटा टी टू माइनस टी वन इज़ वेरी नीयर टू जीरो एंड वी माइनस यू इज़ वेरी नीयर टू ज़ीरो इट मीन्स इन दोनों केसेस में टाइम इंटरवल काफ़ी स्मॉलर है और चेंज इन वेलोसिटी भी काफ़ी स्मॉलर है तो बेटा इसी टाइप से अगर वी और यू काफ़ी नज़दीक होंगे वी और यू काफ़ी नज़दीक होंगे और टी टू टी वन भी काफ़ी नज़दीक होगा तो उस केस में क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनेगा डी वी अपॉन डी टी इट इज डी वी अपॉन डी टी अब बेटा डी वी अपॉन डी टी को हम मैथमेटिकल टूल से कैसे डिफाइन करेंगे इट इज़ डिफरेंशिएशन इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अगर हमें एक्सेलरेशन तक जाना है तो अगर हमें एक्सेलरेशन तक जाना है तो हमें चेंज इन वेलोसिटी का रिस्पॉन्स इंस्टेंटेनियस टाइम में लेना पड़ेगा हमें चेंज इन वेलोसिटी का रिस्पॉन्स एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेना पड़ेगा तो बेटा अब इस टाइप से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अब नोमेरिकल्स में फाइंड आउट करने वाले हैं तो बेटा उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है ये कहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी इंपॉर्टेंट किस टाइप के मोशन में होगी तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कौन सा मोशन आपका इंपॉर्टेंट होगा दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी मिलेगी दैट वेलोसिटी इज़ नॉन एज प्रॉपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिफरेंट आएगी इसका मीनिंग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलॉसिटी अपना सेपरेट रोल प्ले करेगी तो बेटा उसी टाइप से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आपको सेपरेट वे से मिलेगा यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो बेटा जहां भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा वहां पर इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज का रोल प्रॉपर वे से आपको मिलेगा तो हम अलग अलग इंस्टेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे और अपने मोशन को एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन आप एक्सप्लेन हो सकता है एवरेज वेलोसिटी से एवरेज स्पीड से लेकिन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर एक्सप्लेन करना है आपको तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर अलग अलग टाइम पे आपको चेक करना है कि मोशन का बिहेवियर कैसा है तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से अपने मोशन के बिहेवियर को अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेक कर सकते हो कि आपके मोशन का बिहेवियर अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैसा है तो बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में प्रॉपर वे से विजिबल होगा तो बेटा जहां पर जिस मोशन में एक्सेलरेशन बार बार चेंज होगा तो बेटा उस मोशन का नेम क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन के अंदर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की प्रॉपर सिग्निफिकेंस आपको मिलेगी तो यहां पर अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है इसका मीनिंग है कि यहां पर अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको अलग अलग एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी इट मीन्स हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको एक्सेलरेशन अलग अलग मिलेगा तो अगर ये मोशन आपका यूनिफॉर्म होता अगर यहां पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी जहां मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा वहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा और बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी जहां वेलोसिटी बार बार चेंज होगी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहाँ सिग्निफे सिग्निफिकेंस शो करें That is non uniform accelerated motion. So, it is significant in non uniform accelerated motion. तो बेटा अब आपको इन दोनों की सिग्निफिकेंस मालूम चल चुकी है तो अगर हम ग्राफ के बेस पे इन दोनों को शो करेंगे तो ग्राफ के बेस पे बेटा ऐसे शो करेंगे अगर यहाँ पर डिस्टेंस है ये टाइम है और ग्राफ आपका इस टाइप से आ रहा है तो अगर आप ग्राफ के अंदर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लोगे अगर आप ग्राफ के अंदर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल लोगे तो बेटा ये टी और ये टी और यहाँ पर इस पॉइंट पे मिडल टू टी वन के बीच में आपको स्मॉल टाइम इंटरवल मिलेगा दैट इज डी टी बेटा डी टी का मीनिंग क्या होगा इट इज टी टू माइनस टी वन इसी टाइप से बेटा अब यहां पर चेक करना इन्हीं दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में इन्हीं दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में आपको एक्स टू मिलेगा यहाँ एक्स वन मिलेगा और यहां आपको मिलेगा डी एक्स और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स टू माइनस एक्स वन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन तो बेटा ये जो स्मॉल ट्रेंगल यहाँ बनेगी ये जो स्मॉल ट्रेंगल बेटा यहाँ बनेगी दैट ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल में जो आपका स्लोप आएगा तो बेटा यहाँ जो आपका स्लोप आएगा ये स्लोप किसके इक्वल होगा दैट इज टेन थीटा और टेन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यहां ये जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा बेटा हमें इस ट्रैंगल का स्लोप बताएगा और स्लोप का फार्मूला बेटा टेन थीटा होता है अब चेक करो टेन थीटा किसके इक्वल आ रहा है बी सी अपॉन ए सी तो बेटा टेन थी थी थीटा किसके इक्वल आ रहा है एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन सो इट इज मीटर अपॉन सेकेंड तो यहां पर टेन थीटर बिल्कुल स्पीड और वेलॉसिटी के इक्वल आ रहा है तो यहां पर स्लॉप किसकी यूनिट कैरी कर रहा है यहां पर स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यूनिट कैरी कर रहा है नाउ एक्स टू एक्स वन काफी क्लोज है सो बोथ आर वेरी क्लोज इसी टाइप से टी टू टी वन बोथ आर वेरी क्लोज अगर ये दोनों काफी क्लोज हैं तो बेटा थीटा किसके इक्वल आएगा टेन थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड इट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बेटा इस टाइप से आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफ के अंदर शो करना है ग्राफ कौन सा बनाना है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ इसी टाइप से अगर आपको शो करना है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन को तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन में आप यहां पर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाओगे और वेलोसिटी और टाइम जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के अंदर आपको दो पॉइंट ऐसे मार्क करने हैं जो स्मॉल टाइम इंटरवल को शो करेंगे यहाँ टी टू और यहाँ t1 ऐसे यहाँ आपकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज v और यहाँ वेलोसिटी u आ जाएगी अब ये जो ट्रायंगल बनेगी इस ट्रायंगल में बेटा ये a पॉइंट ये b पॉइंट ये c पॉइंट ये एंगल थीटा तो बेटा अब यहाँ पर भी आपको स्लॉप निकालना है टेन थीटा v माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन नाओ अब यहां पर भी स्लोप आपका एक्सेलरेशन के इक्वल एक आएगा चेक कर लो ऊपर कौन सी यूनिट बनेगी मीटर अपॉन सेकेंड नीचे सेकेंड और यहाँ पर यूनिट आएगी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ रहा है दैट इज वी माइनस यू अपॉन टी टू माइनस टी वन नाउ इट इज डी वी अपॉन डी टी बिकॉज वी एंड यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ऐसे यहाँ पर टी टू टी वन भी काफ़ी क्लोज हैं यहाँ पर टी टू टी वन भी काफ़ी क्लोज है तो बेटा उसी टाइप से जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड किया उसी टाइप से ग्राफ के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया और दोनों ग्राफ के अंदर चेक करो यहाँ मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म और यहाँ मोशन कैसा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जहाँ एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ स्लोप आपको बार बार चेंज मिलेगा इसका मीनिंग यहाँ स्लोप आपका वेरिएबल है तो स्लोप किसके इक्वल है एक्सेलरेशन के इक्वल है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने आपको ग्राफ के थ्रू और सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू आपको प्रॉपर वे से बताया है तो अब हम इसको इस फॉर्मूले को नुमेरिकल फॉर्म में यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू नुमेरिकल में कैसे आएगी अभी चेक करते हैं बेटा सबसे पहले सिंपल सा नुमेरिकल करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन क्या है बेटा अगर हमें डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है अगर हमें डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा अगर हमें डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में सो so हम इसको किस टाइप से डिक्टेट करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम बाय दिस इक्वेशन देन फाइंड आउट वेलोसिटी फाइंड आउट instantaneous velocity or speed at time t equal to 2 second a part and find out acceleration and find out acceleration at time t equal to 2 second at time t equal to 2 second at time t equal to 2 second तो बेटा अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है टू सेकेंड पे ऐसे ही हमें यहाँ पर अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है टू सेकेंड पे तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन तो बेटा चेन क्या बनेगी अगर हमें डिस्टेंस से स्पीड में आना है तो हम डिफ्रेंशिएशन यूज़ करेंगे तो अगर हमें डिस्टेंस से स्पीड में आना है तो हम डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में सो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अब हमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में आना है तो हम फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में तो यहां पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें डिस्टेंस से वेलोसिटी में आना है वेलोसिटी से एक्सेलरेशन वे में आ रहा है तो हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड तो बेटा उसका फार्मूला हमारे पास है डी एक्स अपॉन डी टी नाउ इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में टी स्क्र माइनस टू टी प्लस वन तो बेटा अब इस इक्वेशन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में और बेटा टू पावर आगे आ गया जाएगी टू टी पावर में से एक माइनस होगा फिर डी टी अपॉन डी टी डी टी से डी टी कैंसिल अब माइनस टू इंटू वन इंटू टी वन माइनस वन प्लस जीरो प्लस जीरो नाउ वी इक्वल टू टू टी माइनस टू प्लस जीरो सो वेलोसिटी टू टी माइनस टू अब हमें टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा टू सेकेंड्स तो क्या आएगा टू इंटू टू माइनस टू इट इज फोर माइनस टू नाव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज टू मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स टू मीटर पर सेकेंड नाउ अब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ चुकी है अब अगली बारी किसकी है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तो चेक करते हैं अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला है बेटा डी वी अपॉन डी टी टेल मी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड नाउ डी बाई डी टी ऑफ टू टी माइनस टू किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में तो बेटा अब यहाँ पर टू टी माइनस टू का हमें डिफरेंशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में तो बेटा टाइम की पावर वन है तो यहाँ वन पावर आगे आएगी पावर में से वन माइनस होगा डी टी dt डी टी हो जाएगा देन आफ्टर डी टी से डी टी अब बेटा टू नंबर है नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा नाउ टेल मी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है टू इंटू वन इंटू टी की पावर जीरो इट मीनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू मीटर पर सेकेंड तो बेटा टू टी स्केर तो बेटा उस केस में आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा कॉन्स्टेंट आएगा तो बेटा उस केस में जो आपका मोशन होगा वो कैसा होगा दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो बेटा यहां पर हमें कॉन्सेप्ट ये मिला जब भी किसी इक्वेशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम की टू पावर पे डिपेंड करेगा तो उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आएगा और उस टाइप का जो मोशन होगा उस मोशन का नेम क्या होगा दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन का कॉन्स्टेंट होना नेसेसरी है तो एक्सेलरेशन जब भी कॉन्स्टेंट होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेशन आपका किस टाइप का मोशन शो कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन तो बेटा अब अगला नोमेरिकल लेते हैं इसके बाद अगला नोमेरिकल लेते हैं इसके बाद अगले नोमेरिकल में आपसे क्या पूछा? भी चेक करते हैं बेटा अगला नोमेरिकल क्या है अभी चेक कर लेते हैं now इन नेक्स्ट numerical what वी हैव गिवन वी हैव गिवन टाइम इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री तो हमें एक पार्टिकल की इक्वेशन गिवन है एक पार्टिकल इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए मोशन में है तो हम डिक्टेट कैसे करेंगे स्टेटमेंट पार्टिकल इज इन मोशन बाय फॉलोइंग दिस इक्वेशन बाय फॉलोइंग दिस इक्वेशन नाउ फाइंड आउट फाइंड आउट द टाइम एड विच वेलॉसिटी बिकम्स जीरो हमें ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है जिसपे वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी तो हमें ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है जिसपे वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे हम एक साइड डिस्टेंस बनाएंगे और एक साइड प्रॉपर टाइम बनाएंगे देखते हैं बेटा कैसे बनेगी इक्वेशन ये नाउ स्केरिंग बोथ साइड्स स्क्यरिंग बहुत साइड्स करने से पहले थ्री को हम यहाँ लेके आएंगे टी माइनस थ्री इक्वल टू अंडरूट एक्स नाउ नाग बॉथ इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स नाउ एक्स इक्वल टू टी स्क् माइनस सिक्स टी प्लस नाइन तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलॉ फाइंड आउट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी नाउ इट इज टू टी पावर आगे आएगी पावर में से वन माइनस होगा नाउ डी टी अपॉन डी टी कैंसल माइनस सिक्स पावर वन आगे आएगी पावर में से वन माइनस होगा नाउ इट इज डी टी अपॉन डी टी दैट इज कैंसल नाइन आपका नंबर है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा नाउ वी इज इक्वल टू टू टी माइनस सिक्स पावर जीरो बेटा टू टी माइनस सिक्स ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है अब चेक करो वेलोसिटी की कंडीशन हमें क्या गिवन है फाइंड आउट द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स जीरो अब चेक करो वेलोसिटी की इक्वेशन में टाइम है तो अब हम यहां पर वेलोसिटी को जीरो पुट करेंगे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें टाइम निकालना है किस पे जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी को जीरो पुट करोगे इट मींस टू टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी थ्री सेकेंड तो बेटा थ्री सेकेंड पे आपको वेलोसिटी जीरो मिलेगी तो आप चेक कर सकते हो थ्री सेकेंड यहां पुट करो तो क्या आंसर आएगा टू इंटू थ्री माइनस सिक्स इट इज सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो तो बेटा ये आपको क्लियर हो चुका है अब कि यहाँ पर जो टाइम आया है थ्री सेकेंड इसी थ्री सेकेंड पे वेलोसिटी आपको जीरो मिल रही है इसी थ्री सेकेंड पे वेलोसिटी आपको जीरो मिल रही है तो इस टाइप से क्वेश्चन को बेटा हम डील करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट नोमेरिकल क्या है वो चेक करते हैं नेक्स्ट नोमेरिकल क्या है हमारे पास तो बेटा एक सिंपल सा नोमेरिकल है हमारे पास नेक्स्ट क्या नमेरिकल है सिंपल सा v इक्वल टू फोर अंडर इक्वल टू फोर अंडर उट वन प्लस एक्स सॉरी एस तो बेटा यहां पर हमें वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन गिवन है एस आपका डिस्टेंस है V आपकी स्पीड हो सकती है या वेलोसिटी। तो वी हमारी स्पीड है एस हमारा डिस्टेंस है तो यहाँ पर हमें एक पार्टिकल की इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में हमें पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड और पार्टिकल का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन गिवन है या फिर हमें स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन गिवन है तो हमें ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में से हमें क्या निकालना है हमें निकालना है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन तो आपको यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेटा इक्वेशन देख के ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन काफी टफ होगा हमें इक्वेशन देख के लग रहा है क्वेश्चन काफी टफ होगा लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा ये क्वेश्चन आपका टफ नहीं है तो ये टफ क्यों नहीं है इसको हम बहुत सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं तो बेटा सिंपल वे क्या है तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले ईजी बनाएंगे तो स्कैरिंग बोथ साइड्स वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे तो हम इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा वी स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटीन वन प्लस एस ये आपके सामने आ गया बेटा तो आप चेक करो हमें एक पार्टिकल कि मोशन की इक्वेशन गिवन थी लेकिन उस इक्वेशन में हमें स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन गिवन है तो हमें इस रिलेशन से क्या फाइंड आउट करना है हमें इस रिलेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग बॉथ साइड्स वाले कॉन्सेप्ट के साथ लिखा तो क्या आया वी स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटीन इन ब्रैकेट वन प्लस एस तो बेटा यहाँ क्या होगा वी स्क्वेयर इक्वल टू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन एस तो बेटा अब हम क्या लिखेंगे वी स्केयर इक्वल टू फोर स्केयर प्लस सिक्सटीन एक्स तो वी स्केयर इक्वल टू फोर स्केयर प्लस सिक्सटीन एस तो बेटा अब हम क्या करेंगे वी स्केयर माइनस फोर स्केयर इक्वल टू सिक्सटीन एस अब बेटा आपको ये इक्वेशन बिल्कुल किसके सिमिलर विजिबल हो रही है इट इज सिमिलर टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू टू एस आप चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन बिल्कुल ये इक्वेशन बिल्कुल आपको कानामेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेलेंट विजिबल हो रही है तो दिस मैथमेटिकल इक्वेशन इज इक्वेलेंट टू वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनामेटिक्स वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ काइनामेटिक्स तो काइनामेटिक्स की बेटा ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल इस मैथमेटिकल इक्वेशन से कंपेयर हो रही है चेक कर सकते हो आप कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी इस मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ बिल्कुल रिजेंबल हो रही है बिल्कुल कंपैरिजन में आ रही है तो आप चेक कर सकते हो कि वी स्केयर वी स्केयर यहां माइनस साइन यहां माइनस साइन अब ये देखो यू स्केयर किसके इक्वल आ रहा है नाउ यू स्केयर इज इक्वल टू फोर स्केयर नाव यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर इक्वल टू फोर मीटर इक्वल टू एट मीटर पर सेकेंड स्केयर नाउ चेक करो बेटा नाउ ए किसके इक्वल आ रहा है ए इक्वल टू ए इक्वल टू एट मीटर पर सेकेंड स्केयर नाउ एक्सेलेशन इज इक्वल टू नाउ एक्सेलेशन इज इक्वल टू एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो बेटा इसी सेम नोमरिकल को अगर आप डिफ्रेंशिएशन से सॉल्व करोगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा लेकिन अगर आप इसी सेम इक्वेशन को अगर आप इसी सेम इक्वेशन को काइनामेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करोगे तो आपका टाइम काफ़ी बचेगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी आ जाएगी तो बेटा इस नोमेरिकल को प्रॉपर वे से आप चेक करो ये नोमेरिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नोमेरिकल आपको एक नई ट्रिक बता रहा है आपको एक नया कॉन्सेप्ट ये दे रहा है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हो तो अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन बिल्कुल इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मेशन से कंपेयर हो रहा है तो आप अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू यहां पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो तो अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू आप इजीली यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो तो बेटा अब नेक्स्ट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज इंटीग्रेशन तो बेटा इंटीग्रेशन क्या चीज है मैं बता रहा हूं भी आपको कि इंटीग्रेशन क्या चीज है इंटीग्रेशन में क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन में क्या होगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को ऐड करना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को जोड़ना सो दैट इज एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन तो स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस को हमें एड करना है थ्रू इंटीग्रेशन तो अगर हमारे पास स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शनस होंगे उनको अगर हम ऐड करेंगे तो बेटा हम किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अगर हमारे पास कोई बड़ा एरिया है उसको अगर हम स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो बेटा वहां पर हम डिफ्रेंशिएशन को फॉलो करेंगे तो इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स है बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है तो बेटा इंटीग्रेशन का भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है तो बेटा वो हमें प्रॉपर वे से लर्न करना पड़ेगा नाउ जैसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेशन इसका मीनिंग हम नेशन के अंदर अगर एकता बनाएंगे अगर हम हर स्टेट्स को इकट्ठा लेके चलेंगे अगर हम सारे स्टेट्स को ज्वाइन करेंगे तो इंडिया बनेगा तो बेटा एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल एरिया कैन मेक कंप्लीट कंट्री तो बेटा उसी टाइप से इंटीग्रेशन में क्या होगा कि हमें स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस को ऐड करके हमें स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन को ऐड करके एक बिगर क्वांटिटी बनानी है तो बेटा इंटीग्रेशन मीन्स स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन को हमें जोड़ना है हमें उनको डिवाइड नहीं करना नाउ बेटा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैं बेटा यहाँ बना रहा हूँ चेक करना ध्यान से दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स किस के रिस्पेक्ट में बेटा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बेटा ये सिंबल है इंटीग्रेशन का और ये सिंबल हमें ये बता रहा है कि हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं एक्स का किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में तो बेटा क्या आंसर आएगा इधर की पावर वन है तो रूल ये कहता है वन ऐड करेंगे और ये टोटल पावर जो ऊपर बनी है वही सेम पावर आपकी नीचे लिखी जाएगी नाव एक्स टू अपॉन टू आपका इंटीग्रेशन हो चुका है नाव एक्स टू अपॉन टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बेटा अगर यहाँ पर x प्रेजेंट नहीं है अगर यहाँ पर सिंपली कोई नंबर है कोई कांस्टेंट है तो अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो बेटा क्या आंसर आएगा तो हमें यहाँ पर अगर कोई नंबर मिलेगा तो हम नंबर के साथ में x की पावर जीरो एज्यूम करेंगे तो अगर यहाँ x प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ x की पावर क्या होगी बेटा जीरो ही होगी तो अब हमें थाउजेंड इंटू एक्स पावर जीरो का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो तो बेटा क्या आंसर आएगा तो आपका इट इज़ रहेगा नंबर है फिक्स है है कांस्टेंट तो यहाँ पर एक्स की पावर जीरो है तो जीरो में वन ऐड करेंगे और यही सेम नेट पावर आप नीचे लिखोगे तो बेटा क्या आंसर आएगा इट इज इक्वल टू थाउजेंड एक्स इट इज इक्वल टू थाउजेंड एक्स तो बेटा इस टाइप से हम तो बेटा इस टाइप से हम इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं तो अगर हमें किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो बेटा हमारा आंसर नॉन जीरो आएगा लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है तो इंटीग्रेशन बिल्कुल रिवर्स चलेगा किससे डिफरेंशिएशन से तो जहां डिफरेंशिएशन में आंसर जीरो आता है तो यहां वो आंसर आपको नॉन जीरो मिलेगा तो बेटा आप चेक करते हैं ये x का डिफरेंशिएशन किया आपने x के रिस्पेक्ट में तो आपका आंसर आया x केयर अपॉन 2 इसी टाइप से अगर आप y का करोगे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में और अगर y आपका प्योरली इंडिपेंडेंट है तो अगर y आपका प्योरली इंडिपेंडेंट है ये x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो बेटा इस केस में हम y के साथ में x की पावर जीरो एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर x प्रेजेंट नहीं है तो हम y को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे हम x की पावर में चेंज लेके आएंगे जीरो प्लस वन अपॉन्स जीरो प्लस वन तो आंसर आ गया वाई इंटू एक्स आंसर आ गया वाई इंटू एक्स तो इसी टाइप से बेटा इसी टाइप से अगर मेरे पास वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है तो बेटा यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हमें क्या आंसर देगा दैट इज लॉग एक्स दैट इज लॉग एक्स तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा दैट इज लॉग एक्स तो ये बेटा फॉर्मूले आपको नोट करने हैं इसी टाइप से साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स तो बेटा इसी टाइप से जैसे आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा माइनस कॉस एक्स तो इसी टाइप से अब आप लिखोगे कॉस एक्स का इसी टाइप से आप लिखोगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि वन बाय एक्स वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स होगा तो बेटा ये बेसिक बेसिक फार्मूले आपको प्रॉपर वे से लर्न होने चाहिए फॉर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन तो बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए फॉर्मूले तो आपको लर्न होने चाहिए तो बेटा टू और थ्री बेसिक फॉर्मूले और हमें करने हैं इंटीग्रेशन के वो भी कर लेते हैं तो बेटा इसी टाइप से बताओ मुझे सीकेंट स्क्र एक्स डी एक्स क्या होगा दैट इज टेन एक्स दैट इज

ए एक्स प्लस बी हॉल पावर एन हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो बेटा रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम कंप्लीट इक्वेशन की पावर को चेक करेंगे अगर एन है तो इसको एन प्लस वन करेंगे अपॉन एन प्लस वन देन आफ्टर देन आफ्टर क्या होगा बेटा देन आफ्टर वी हैव वी हैव कॉफिशेंट ऑफ एक्स वी हैव That ऑफ एक्स दैट इज एंड तो बेटा ये फार्मूला बनेगा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि अगर हमें ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन गिवन है तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी की पावर को हम चेंज करेंगे एन प्लस वन आएगा रूल ये कहता है इंटीग्रेशन का पावर में हम वन ऐड करेंगे हमने पावर में वन ऐड कर दिया सेम पावर नीचे लिखेंगे फिर उसके बाद अगर एक्स का कोई मल्टीप्लायर है तो बेटा वो मल्टीप्लायर भी आपका बॉटम में आएगा तो बेटा प्रॉपर वे से हम इस फॉर्मूले को प्रॉपर वे से हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे दैट इज ए एक्स पावर एन डी इट इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन डिफरेंशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी तो हमें अपॉन में क्या करना है दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अब चेक करो बेटा एक्स प्लस बी इसकी पावर क्या है एन प्लस वन नीचे भी पावर सेम आएगी एन प्लस वन अब बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में तो बेटा टेल मी अगर हम डी बाई डी एक्स करते हैं एक्स प्लस बी का तो बेटा अब यहाँ एक्स की पावर वन है तो a इंटू वन पावर आगे आएगी x की वन में से वन माइनस होगा और बी आपका कांस्टेंट है b x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहां पर b का जीरो हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा a इंटू एक्स पावर जीरो और डी एक्स अपॉन डी एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस जीरो तो क्या आंसर आएगा बेटा ए एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर जीरो एंड इट इज इक्वल टू ए इट इज इक्वल टू ए तो बेटा आपके सामने है अगर हम ए एक्स प्लस बी का अगर हम ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो बेटा ए एज इट इज़ रहेगा एक्स की पावर आगे आएगी पावर में सेवन माइनस होगा और फिर dx एक्स बाई आपस में कैंसिल हो जाएगा बी आपका प्योरली इंडिपेंडेंट है कांस्टेंट है बी का यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा तो आप चेक करो तो आप चेक करो बेटा यहाँ पर कि ax एक्स प्लस का डिफ्रेंशिएशन a आ रहा है बेटा मैंने इसी सेम कॉन्सेप्ट को आपको लर्न करने के लिए सिंपल वे से बताया था कि आपको सिर्फ जो एक्स का मल्टीप्लायर है उसको नीचे लिखना है तो ये ये आपका मल्टीप्लायर आ गया नीचे तो बेटा ये मल्टीप्लायर नीचे कैसे आया बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में तो इस टाइप से बेटा ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको इंटीग्रेशन के लर्न करने पड़ेंगे तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे तो आप इसी टाइप से मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस टू पावर टेन एक्स के रेस्पेक्ट में बोलो बेटा क्या आंसर आएगा थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू होल पावर टेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस टू होल पावर टेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सबसे पहले हम पावर को चेंज करेंगे थ्री एक्स प्लस टू टेन प्लस वन यही सेम पावर नीचे लिखेंगे तो बेटा अब नीचे और क्या फैक्टर आएगा चेक करो थ्री एक्स प्लस टू होल पावर अब टेन प्लस वन अपॉन इलेवन आ गया तो नीचे बेटा इलेवन के साथ में अब एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आएगा चेक करो यहां पर एक्स का मल्टीप्लायर क्या है दैट इज थ्री

इक्वेशन की अगर हमें पावर गिवन हो तो हम उसका इंटीग्रेशन इस मेथड से करते हैं हम उसका इंटीग्रेशन इस मेथड से करते हैं